दोस्तों गुड इवनिंग। राजौरी गार्डन में, राजा गार्डन में हूं मैं और यहां पर आज एक ऐप का लॉन्च हुआ है जिसका है नाम ऐप का बाप, ऐप्स का बाप। जी हां, बीट्स एक ऐप है, यहां पर डाउनलोड हुआ हो रहा है और आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो है उसके क्या क्या फायदे हैं राजवीर जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपने ये वेस्टर्न की तरफ से आपने ये एक ऐप लॉन्च किया और पूरे भारत में ये ऐप जो है वो भारत की तरफ से लॉन्च किया और पूरे वर्ल्ड में रहेगा। इसके बारे में क्या क्या खासियत है आपसे जानना चाहेंगे? इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है गौतम जी कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हैं और आप लोगों के माध्यम से ही ये पूरे देश और दुनिया में फैलेगा। आज तक के इतिहास में शायद किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने सारे पत्रकार बंधु जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए हों, वो भी किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब जहाँ तक बात है कि इसकी खासियत की, सबसे बड़ी खासियत गौतम जी इसकी ये है कि ये भारत की ऐप है, भारत के लिए है और भारत के लोगों के लिए है। जो भी प्लेटफॉर्म हम जितने भी यूज़ करते हैं, आज तक जितने यूज़ करते आए हैं, सब वो विदेशी प्लेटफॉर्म यूज़ करते आए हैं। आज के बाद में आपको कभी भी विदेशी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी रीजंस के लिए रोज़ जो है गवर्नमेंट का कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आता है और जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आजकल जब से मेन स्ट्रीम मीडिया की जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है लोगों को, तब से लोगों ने सोशल मीडिया पर जाना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे लोएस्ट इंटरनेट जो होता है, जो स्लो इंटरनेट जो होता है, वहाँ पे वो काम नहीं करता है। लेकिन मिस्ट जो है ये आपको किसी भी कितने भी रेंज के जो आपका डोंगल नहीं काम करे, वाईफाई नहीं काम करे, तभी मिस्ट का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। 8 लोग एक साथ मिलके और इस पर वीडियो कॉल कर सकते हैं लोएस्ट से लोएस्ट किसी भी मोबाइल इंटरनेट सेवा से। सर अभी आपने ये कहा कि ये भारत की ऐप है और भारत में ही ये देखी जाएगी, क्या ये पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी जाएगी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा भारत की ऐप है, भारत के लोगों के लिए है और भारत के लोगों के द्वारा है, लेकिन ये पूरी दुनिया में देखी जाएगी। आज तक हम विदेशी ऐप जितनी इस्तेमाल करते आए हैं, अब विदेशी लोग जो है इसके माध्यम से भारत की जो ऐप है उसका इस्तेमाल करें। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने इसका नाम मिस्ट ही क्यों रखा? मिस्ट मैंने इसका नाम गौतम जी इसलिए रखा कि एक ऐसा नाम है कि मिस्ट का मतलब होता है बेसिकली मिश्रण, और ये मिश्रण है। इसमें सोशल मीडिया का पूरा जितने प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका शॉर्ट वीडियो हो, चाहे आपका लॉन्ग वीडियो हो, आपका चैट मॉड्यूल हो, या आपका जो है 2 घंटे से लेकर और 8 घंटे तक की कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म हो, या आपकी मैसेजिंग सर्विस हो, सारी सर्विस इसके अंदर, इसका नाम मिश्रण की बजाय मिस्टर है। अच्छा, ये जो ऐप है ये पेड है या फ्री है? सर ये 100% फ्री ऐप है, इसका डाउनलोड करने का कोई चार्जेज नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप कहीं पे भी जाके किसी भी ऐप में अगर आप मीडिया कवरेज करते हैं तो आपको जाके, और मैंने भी आपसे सुना है, आपने मेरे को भी कई बार कवर करा है, मैंने सुना है कि सर हम जाएंगे आधे घंटे में एडिट करके और उसके बाद में इसको जो अपलोड करेंगे जी। अगर आप मिस के थ्रू अगर कहीं पे भी मीडिया कवरेज करते हैं तो आपको उसको एडिट करने के लिए कहीं नहीं जाना, इसमें इनबिल्ट फीचर है वीडियो एडिटर। तो इसके लिए पूरी टीम आपकी पूरी तैयार हो चुकी है? सर पूरी टीम तैयार है, पूरा ऑफिस तैयार है, 300 लोगों की पूरी टीम है जो दिन रात इसमें काम कर रही है। मेरा बेटा जिसने कि ये ऐप बनाई है वो खुद जो है 18 से 20 घंटे भी लगातार काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि आपको मिस्ट के अलावा दूसरी ऐप इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपके बेटे जो हैं वो 17 ईयर्स ओल्ड के हैं, तो यानी कि अभी स्कोप बहुत बाकी है। आप लोगों का साथ और आप जितने भी लोग हैं, भारत के जितने लोग हैं, सबका आशीर्वाद रहेगा तो मिस्ट अपना काम करेगी, वो भी अपना काम करेगा, अपने काम के प्रति वो डेडिकेटेड है। और स्टूडेंट वो आईटी का नहीं है, पीसीएम का स्टूडेंट है, लेकिन उसके बावजूद इसने इतना अच्छा काम करा है। पूरी वेस्टर्न की टीम, पूरी वेस्टर्न फैमिली जो है, हम भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी जो है उसका ऐसे ही साथ। सोशल मीडिया पे गाज गिरने की जो बात है राजकुमार जी, वो सबसे बड़ी तो यही है कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो सिक्योरिटी फीचर का जो प्रॉब्लम है कि हमारी जो सिक्योरिटी रीजन जो डाटा है वो कहीं और चले जाते हैं, उससे जो है वो प्रॉब्लम आती है, चाहे वो चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूरोप की कोई कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, सब लोग इससे परेशान हैं। तो कम से कम देश की ऐप है, देश के लिए है, देश में बनी है, तो डाटा सिक्योरिटी का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिक्योरिटी फीचर्स इतने सिक्योर हैं कि जो
भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो राइट देता है उसी के अनुसार इस ऐप को बनाया गया है और बिल्कुल सिक्योरिटी उसी तरीके से प्रोवाइड कराई जाए। सर आप एक पॉलिटिशियन है, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ऐप बनाना चाहिए? सर आप पॉलिटिशियन हैं, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको ऐप बनानी पड़ी? सर मैं पॉलिटिशियन हूँ ये बात सही है, लेकिन पॉलिटिशियन से पहले मैं व्यापारी हूँ। मैं पहले भी व्यापार करता था, अभी भी व्यापार करता हूँ और पॉलिटिक्स करूँगा तब भी व्यापार करूँगा। मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा व्यापार करना चाहिए। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी के पास इतने बड़े लोग नहीं हैं कि वो उस पार्टी को चला सकें। उस पार्टी को चलाने के लिए इस पार्टी में भी बड़े व्यापारी होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पार्टी का नेता होकर अगर व्यापारी नहीं होता तो मुझे लगता है कि आपको गलत लगता है। एक दिन ये पार्टी भी और मिस्ट भी दोनों साबित करेंगे कि हम बड़े व्यापारी भी हैं और बड़े पार्टी के नेता भी। आप राजनीति में भी हैं और BSP से आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, क्या बहन कुमारी मायावती जी के हाथों ये लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए थी? जो लोग बसपा के प्रोटोकॉल को जानते हैं, समझते हैं गौतम जी, उनको मालूम है कि माननीय बहन जी ऐसे किसी भी प्रोग्राम में आती नहीं है, किसी भी प्रोग्राम की वो लॉन्चिंग में नहीं जाती हैं। सब जो बसपा का प्रोटोकॉल जानते हैं वो लोग जानते हैं। जो ये ऐप बना है ये उनको बता के बनाया गया है, उनके सपने में है, उनकी इच्छा से बनाया है और जो तारीख और जो समय उन्होंने तय करा उसी के हिसाब से आज इसकी लॉन्चिंग हुई। जी सर, सोशल मीडिया को लेकर के सरकार रिस्ट्रिक्शन और जो नई नई जो पॉलिसी ला रही है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया को लेकर सरकार की जो पॉलिसी है वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के लिए नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो आपकी कोई भी, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमने भी एक सोशल मीडिया ऐप बनाई है, तो जो भी वो सोशल मीडिया ऐप हैं उनको लेकर और जो सरकार में कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसको लेकर और सरकार जीते। और सरकार ने खुद आह्वान करा था कि देश के व्यापारी और देश के नौजवान जो हैं वो IT के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आएँ और अपने देश के लिए अपने देश में एक ऐसा ऐप बनाएँ कि हम दूसरे लोगों पे निर्भर ना रहना। अच्छा राजवीर जी, इस ऐप्स की अगर बात की जाए तो इस ऐप्स के क्या फायदे होंगे देश की जनता के लिए या युवाओं के लिए? ऐसा है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इंस्पिरेशन के लिए है। ये भारत का पहला ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आ रहा है, बिना किसी फंडिंग के आ रहा है, बिना किसी दूसरे लोगों के मिलने से या विदेशी किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आ रहा, सारी देसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई है, बेस्ट सर्वर इस्तेमाल किया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको लोवेस्ट रेंज मिलती है हमारे को देश में। आपको पता होगा जगह जगह आप जाते हैं, आप तो बहुत जगह कवर करते हैं, आप तो खेतों में भी जाके कवर करते हैं, किसानों को भी कवर करते हैं, नेताओं को भी कवर करते हैं, सभी लोगों को कवर करते हैं। जो आपको ये प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लोएस्ट से लोएस्ट इंटरनेट पे भी ये काम करेगा क्योंकि टोटल जो आपका मोबाइल का इसका डाटा है वो 55 से 60 MB ही कवर होगा। बहुत बहुत मंगल कामना आपको इस ऐप के लिए। एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका बेस्ट ऑन है और सारी चीज़ें बेस्ट आ रही हैं, आगे आने वाली क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो आपके बेस्ट ऑन की तरफ से आ रहे हैं? बेस्ट ऑन के सारे प्रोडक्ट बेस्ट आएंगे और जब जाएंगे आपको याद करा जाएगा और हमें उम्मीद है कि जब भी आपको याद करेंगे आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा बेस्ट ऑन को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आते रहेंगे।